गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जो पीछे देख रहे हो ये है मेरा होटल और आज हम लोग जाएंगे दिल्ली विया येलो लाइन। गुड़गांव से पकड़ेंगे, अभी मैं गुड़गांव सेक्टर 27 में हूँ। अभी यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे मेट्रो वगैरह जो भी आपको दिखाएंगे। आज जाएंगे हम दरियागंज। दरियागंज में मैं बुक्स का बहुत ज़्यादा पागल हूँ, ठीक है, नॉवल्स वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वही दिखाऊँगा आप लोगों के। सो गाइस मैं अभी सेक्टर नंबर 27 से पैदल चलते हुए जा रहा हूँ सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन तक। वैसे रैपिड मेट्रो सामने है लेकिन मैं सिकंदरपुर से ही पकड़ूंगा सोचा, और माहौल काफ़ी अच्छा है। आज संडे है, शांत है, और आजकल फ्रिक्वेंट ब्लॉगिंग कर नहीं रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लूज़ हो गया है, फिर भी देखिए आप क्या दिखाता हूँ। सो गाइस ये जो आप रास्ता देख रहे हो और इसके राइट साइड में देख रहे हो आप लोग मेट्रो लाइन दिख रहा होगा, ये रैपिड मेट्रो लाइन है। रैपिड मेट्रो लाइन जो है ना बेसिकली आपकी चलती है सिर्फ गुड़गांव वाले एरिया में, यानी कि दिल्ली NCR भी उसे आप कह सकते हैं। और अगर आपके पास दिल्ली मेट्रो का कार्ड है ना तो दिल्ली मेट्रो के कार्ड से भी आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, ये मेरे को एक कन्फ्यूजन था तो पिछली बार 7-8 महीने पहले मैंने ये ख़त्म कर दिया, उसका भी एक ब्लॉग है आप लोग देख सकते हो। बाकी ये है गुड़गांव बस रस्ते चमाचम। गाइस क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? दो सुपर बाइक्स गई अभी अभी यहाँ से, दिखा नहीं पाया मैं। ये फेज़ वन का मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, अभी इससे थोड़ा और आगे 1 किलोमीटर दूर है हमारा आपका क्या बोलते हैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। मतलब वो येलो लाइन वहाँ से शुरू होती है, ये रैपिड मेट्रो लाइन है, मुझे येलो लाइन से पकड़ना है। और मेरे मेट्रो कार्ड में पिछली बार जब आया था दिल्ली मेरा वो ख़त्म हो गया था बैलेंस, बैलेंस भी भरवाना है, दिखाएंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे गुड़गांव हो या दिल्ली हो, नोएडा ये एरिया में ना ब्लॉगिंग थोड़ा पब्लिक में इट्स नॉट दैट ईजी। सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या रहता है, अपने फ़ोन का, अपने कैमरा का, GoPro का, जो भी आपके पास, बहुत रिस्की होता है। सोच समझ के गौर से दिखने पे आपको देखने को मिलेगा गाइस कौन सी चीज़ का है, DLF, साइबर सिटी, NH 48, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब इसी मार्ग से जाया जाता है। और यहाँ पे न्यूनतम स्पीड है 50 किलोमीटर। ओके, और थोड़े ही आगे है सिकंदरपुर, गौर से देखने पे आपको पता लगेगा इफ्को चौक, साइबर सिटी, सब यहाँ से मिलेगा आपको। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन ये रहा, और ये इमार कंपनी की बिल्डिंग है, ठीक है, देख सकते हो। हम लोग करीब 15-18 मिनट वॉक किया, 2 किलोमीटर वॉक किया, हेल्थ भी अच्छी हुई, पैसे भी बचे, अपना मेट्रो स्टेशन आ गया। वरना मैं फेस 2 से पकड़ सकता था मेट्रो, ठीक है। ये पेड़ के पीछे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ सिकंदरपुर लिखा, ये देख सकते हो। अभी यहाँ पे चलेंगे मेट्रो कार्ड में रिचार्ज करेंगे, बिल्कुल सी हुई है, उसके बाद दिखा देखा जाते हैं। टोकन के लिए आपको और प्लेटफॉर्म के लिए आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। देखिए आने से पहले ये चलना शुरू हो गया वरना रुका हुआ था। गाइस वन मोर थिंग, ब्लॉगिंग करो तो प्लीज़ ध्यान से कीजिए, एकदम चौकन्ना होकर बिंदास होके नहीं, यहाँ पे रिस्क है गाइस, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस इस स्टेशन का नाम था इमार बिजनेस पार्क, ये रहा मैंने रिचार्ज कराया कितने का, 300 का, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया, मस्त चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। ये रैपिड मेट्रो था, वैसे गलती से मैं रैपिड मेट्रो के यहाँ पे चढ़ गया, मतलब स्टेशन में चढ़ा, उसमें नहीं, क्या बोलते मेट्रो पे नहीं, अभी उस तरफ है येलो लाइन, ठीक है। चलेंगे सिकंदरपुर से एकदम उड़ते पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, देख सकते हो आप। गाइस अब जाएंगे हम सही जगह, ये देखते हो पावर ग्रिड ने शायद स्पॉन्सर किया है सिकंदरपुर को, और मेरा बैलेंस पता है 0 नहीं था, 23 रुपये थे, ये देखो गाइस देख सकते हो 23 रुपये पिछली राशि, 323 रुपये अब मेरे, ये रहा गाइस चलते हैं। सो गाइस हमें जाना है समयपुर बादली तरफ, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे। और काफ़ी टाइम बाद ये फीलिंग आई, अभी अभी मैंने अपने कार्ड को स्वाइप किया तो बैलेंस दिखा रहा था 323 रुपया, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब वो ऐसे डालते हैं ना अपने कार्ड को या फिर टोकन जो मिलता है उसके बाद गेट खुलता है, मतलब वो एक अलग फीलिंग होती है, काफ़ी टाइम बाद वो फीलिंग आई। आई थिंक मार्च अप्रैल आया था मैं लास्ट दिल्ली, दिल्ली से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी भी गुड़गांव में पहुँचेंगे अभी, ये रही मेट्रो गाइस, ये आई मेट्रो, अब खुलेगी धीरे से, लेट्स गो। महरौली वाला इलाका है ये, महरौली के जंगल, मिलिट्री एरिया, एयरफोर्स।
सो गाइस हम अपने मेट्रो से उतर गए हैं और मेट्रो से उतर के येलो लाइन के बाद अभी हम पकड़ेंगे कौन सी लाइन पता है, पायलट लाइन, सीएसएस पे उतरो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट देख सकते हो आप। ठीक है ऊपर चलते हैं। यहाँ से गाइस मुझे पकड़नी है पायलट लाइन, पायलट लाइन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ये मेट्रो उसी में आया मैं सिकंदरपुर से ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। ठीक है चलिए, टाइम हो रहा है 10 भी नहीं बजे यार। अभी वायलेट लाइन में जाने के लिए ना बस इस फुट स्टेप को फॉलो कीजिए, येलो लाइन में जाने के लिए इस फुट स्टेप को। सो दिल्ली मेट्रो ने इसको आसान बना दिया है। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं दिल्ली गेट, यहाँ से निकलेंगे उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या क्या खरीदते हैं। और हम ये एग्जिट लेते हैं। तो गाइस अभी तक कितना, एक घंटे से भी थोड़े कम पे, मतलब 55 या 50 मिनट पे मैं सिकंदरपुर या फिर अब ये कहो सेक्टर 27 से अभी मैं दिल्ली गेट पहुँच गया। फेयर लगा सिर्फ 36 रुपया 36, बिकॉज मेरे पास दिल्ली मेट्रो कार्ड था और डिस्काउंट वगैरह उसमें मिलता रहता है। ठीक है तो अभी मेरा बैलेंस 287 और 36 रुपीज़ जो है मेरे डायरेक्ट हुए। ऐसे तो अभी दिखाएंगे आपको क्या मतलब क्या नहीं, ब्लॉक बड़ी हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ये देखो हम पहुंचने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे DTC की जो बस होती है ना डेली ट्रांसपोर्ट, में एक एक्सीडेंट हो गया, यहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ से व्लॉग कर रहा था कुछ ऐसे, अगर आप लोगों को याद हो तो। बहुत बार आया हूँ यार ये, फिर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है यहाँ लगा हुआ है जाम, मैं किताबें खरीदूंगा जाकर। आप यहाँ से चलते रहोगे तो देखो लाल किला भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये मुगलों के टाइम का है मेरे को लगता है, उससे भी पुराना। ठीक है और यहाँ पे राइट साइड में पुलिस स्टेशन भी है, मैं दिखाऊंगा आपको। गाइस ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना ये ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस की है। रुकिए यहाँ से आपको एक थोड़ा सा व्यू दिखेगा, ये देख सकते हो मैं आया था यहाँ पे पिछली बार भी, मुझे याद है। और यहाँ पे आपको पूरा बुक्स ही बुक्स, नॉवेल्स, कॉपी, जो चाहिए देखो सब कुछ मिलेगा बहुत चीप प्राइस में। ठीक है पूरा लाइन है ना किताबों का ही है गाइस, ये देखो गाइस यहाँ पे किताबें किताबें देख सकते हो, ये सारे नॉवेल्स हैं। तो गाइस मैंने बुक्स वगैरह इस खरीद ली और बैग में भी बहुत है, अच्छा खासा खर्चा हो गया, नॉवेल्स लिए है, फाइल्स लिए है, डायरी वगैरह लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, गुड़गांव नहीं जाऊँगा, अभी कहीं और जाऊँगा, बाद में बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। वायलट लाइन से होते हुए मजेंटा लाइन से होते हुए अब मैं यहाँ पे डिपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर सुखदेव बिहार, यहाँ पर थोड़ा काम है उसके बाद जाएंगे गुड़गांव अपने घर। ओके ये देख सकते हो सिकंदरपुर, अभी बच रहे हैं शाम के 6:15 और मैं सिकंदरपुर फिर से पहुंच गया हूँ, जिसमें दिखा मैंने बस आज का दिन खत्म और